समझाऊंगी, ऐसे समझाऊंगी कि आपके माथे से ये डिलीट ही नहीं होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि इफ क्लॉज, इसको समझने के लिए और इसके जो टाइप्स होते हैं ना, अगर तुम आती तो मैं नहीं आती, अगर तुम आई तो मैं नहीं आऊंगी, ये सब सीखने का टाइप का ट्रांसलेशन क्या हो, इसे सीखने के लिए इस वीडियो का टैलेंट जरूर देख लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो रोजाना आपको मेरे वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। सर्वाइव करते जो सब हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अभी तक हमने करा नहीं है, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो हमने कर चुका है, अब जो हो गया हो रहे थे, वो है पास्ट कंटिन्यू कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल, ठीक है। और देखिए अब ये दोनों एग्जांपल आपके थूथड़े के सामने आ चुका होगा, तो इसको देखिए, इसमें दो सेंटेंस है, ठीक है। अगर तुम आती तो मैं नहीं आती, अगर तुम आई तो मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो अगर तुम आती तो मैं नहीं आती, ठीक है, ये क्या था कि अगर तुम आती तो मैं नहीं आती, तो ये क्या, ये तो हो चुका है ना काम, मैं पार्टी में जा चुकी हूँ, मैंने सब मजा मजा कर चुका है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर तुम आ जाती ना बाई चांस तो मैं नहीं आती बाई चांस, ठीक है। और अगर तुम आओगी तो, अगर तुम आओगी तो मैं नहीं आऊंगी, तो अगर मतलब फ्यूचर की बात हुई नहीं है, अगर तुम पार्टी में आ गई तो अब मैं नहीं आऊंगी, मैं अगर आऊंगी तो मैं वैसे भग जाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू कंडीशनल सेंटेंस, समझ आ गया, नहीं समझ आया, अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझेंगे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। अब ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मूला अच्छे से ज्यादा रट लीजिए, नहीं तो अगर आप भूल गए तो बेइज्जती सी हो जाएगी। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट तो पता ही होगा आपको, अरे वो जो प्रेजेंट में बात चल रही होती है, मैं आम खाई, मैं शाम में खाना खाई, मैं खाना खाई, ठीक है। तो ये सब सिंपल प्रेजेंट एस बाई यस, या तो पता ही होगा, ठीक है, जिस प्रेजेंट में काम कर रहा है, मतलब अभी चल रहा है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो ये आप मुझे देख रहे हो, ये सब सिंपल प्रेजेंट। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल कैन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल कैन में क्या, विल कैन ये डिपेंड करता है, अगर सकता है, सकती है, सकते हैं तो कैन, सकेगा, सकेगी, सकेगे तो विल, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, ठीक है, तो भूल मत जाइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, आप दो सेंटेंस आप समझ जाए, तीन, अगर तुम आई तो मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो ये क्या, ये बोल रही है, अभी तक बात हुई नहीं है, वार्निंग दिए जा रही है, वार्निंग, ठीक है, अगर तुम आ गई ना बाई चांस, मैं वहां से चली जाऊंगी, बोल दिया, पैसा वैसा तेरा सब फेंक के चली जाऊंगी, तो अगर तुम आई तो मैं नहीं आऊंगी। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं, नीचे में देख लीजिए फॉर्मूला लिखा हुआ, अच्छे से समझ के करिए। इफ इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ यू कम, ठीक है, कम है सिंपल प्रेजेंट, इफ यू कम, ठीक है, आई विल नॉट कम, अगर तुम आई तो मैं नहीं आऊंगी, आऊंगी गी, इसलिए विल। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इफ यू कम, इफ यू कम, ठीक है, आई विल नॉट कम, ठीक है। तो आई विल नॉट कम सब्जेक्ट प्लस विल कैन प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझ आ गया इस सेंटेंस को कैसे बनाना हुआ, इफ पे पहले बैठा गया, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विल कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर गाना बनाइए इफ और इसके साथ इफ एड होगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट एड होगा, क्या था मैं भूल गई, बंद कर दो, इफ एड होगा सिंपल प्रेजेंट के साथ, सिंपल प्रेजेंट ऐड होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऐड होगा विल कैन के साथ, विल कैन ऐड होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये गाना आप याद कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, ये समझ आ गया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वाला है, अगर काजल ने पूछा तो सीबीआई जांच कर सकती है, ठीक है, मतलब अगर काजल ने बोला, अगर काजल ने सारी बात बोली तो सीबीआई जांच कर सकती है उसकी बातों पे आके, ठीक है। सेंटेंस बनाइए, इफ काजल आस्क्स, ठीक है, इफ लग गया सिंपल प्रेजेंट लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट सीबीआई,
जांच कर सकती है, सकता है, सकती है, कैन सीबीआई कैन प्रोब, जांच को बोला जाता है प्रोब। ईव काजल आस्क सीबीआई कैन प्रोब, समझ आ गया ये वाला सेंटेंस। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है, अगर टाइगर श्रॉफ नाचेगा तो मैं नहीं सोऊंगी, मेरी नातों की नींद उड़ जाएगी भाई साहब अगर मैंने उसका डांस देख लिया श्रॉफ साथ। ठीक है, तो अगर टाइगर श्रॉफ ने नाचा, इफ टाइगर श्रॉफ डांसेस आई विल नॉट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगी, गी विल, समझ आ गया। ये तो मैंने अपने पारंपरिक डे टू डे लाइफ से सेंटेंस दिया है, अब तो समझ आ गया होगा आपको, समझ आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है पास्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, मतलब काम हो चुका है फिर भी ड्रामा मार रहा है आके बोल के, पता नहीं क्या ठंडक पहुंच रही है उसको। ठीक है, तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में देखिए फॉर्मूला क्या है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें काम हो चुका है, अगर तुम आती तो मैं नहीं आती, मतलब काम हो गया है, बस ऐसी बोल रही है, अगर तुम उस टाइम पे आ जाती ना तो मैं वहीं से चली जाती अपना बोरिया बिस्तर बांध के। ठीक है, अगर तुम आती तो मैं नहीं आती पार्टी में, अरे ये बस ऐसी कह रहे हैं, अगर वो आ जाती तो क्या ही उखड़ जाता, वो तो सब खाने खाई लेती उसके बाद भगती। ठीक है, तो अगर तुम आती तो मैं नहीं आती। इफ You had came, ठीक है, come came, ठीक है, came came third form है come की। If you had came, I would not have came, ठीक है, would not have, सिर्फ verb की third form भी लगेगी क्योंकि ये past है, I would not have came, समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो if you had came, I would not have came, verb की third form लगेगी last में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर काजल पूछती तो सीबीआई जांच करती, मतलब सी काजल ने पूछा ही नहीं, अब जांच हुआ ही नहीं, अब कोई टाइम ही नहीं है, अब बस खत्म हो गया, उस टाइम पे पूछना चाहिए था। ठीक है, तो अगर काजल पूछती, इफ काजल हैव आस्क्ड, 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 आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है, ठीक है, तो इफ काजल आस्क्ड सीबीआई वुड हैव प्रोब्ड, समझ आ गया ये वाला सेंटेंस। तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है, अगर टाइगर श्रॉफ नाचता तो मैं नहीं सोती। ठीक है, अगर टाइगर श्रॉफ नाच लेता ना तो मैं कहाँ सोती। ठीक है, तो इफ टाइगर श्रॉफ हैव डांस्ड, ठीक है, डांस डांस डांस्ड डांस्ड, आई वुड नॉट हैव स्लेप्ड। ठीक है, समझ आ गया, तो स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ये वर्ब की सारे फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या होता है वर्ब फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट में डांस, सिंपल पास्ट में मतलब हो गया डांस्ड, बट पास्ट पार्टिसिपल में हो जाता है डांस्ड, ऐसे ये मजा आ गया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है शायद, तो समझ आ गया। अब देखना था ना, अब देखा आपने, सारे सारे होने के बाद मैंने एग्जांपल दिए, सिंपल प्रेजेंट में भी एग्जांपल दिया था, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल ये रहा, इसको अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए, तभी आपके दिमाग में घुस जाएगा। और इस वीडियो को अपने साथ फैला दीजिए जिसको कंडीशनल सेंटेंसेस सेंटेंसेस नहीं आती, ठीक है, और उसको अब तक याद आ जाएगी। और ये वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, और आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर।